अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट, मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ कम्प्लेक्स एनालिसिस टू लेक्चर नंबर 12 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा न्यू टॉपिक होगा उसमें है क्रॉस रेशो। क्रॉस रेशो जो इसकी डेफिनेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल द क्रॉस रेशो ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर जी जी वन जी टू एंड जी थ्री इज़ ऑफ द फॉर्म। इसको आप कुछ इस सेंस में लिख सकते हैं, इसकी फॉर्मेशन है जी माइनस, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म लिखा होता है, जी माइनस जी वन ओवर जी माइनस जी थ्री मल्टीप्लाई, जो कि प्रोडक्ट फॉर्म में है, जी टू माइनस जी थ्री ओवर जी टू माइनस जी वन, ये इस सेंस में राइट होता है। इसमें जो फर्स्ट मेंबर्स है ना, ये जी एज इट इज़ होंगे, यहाँ पर जी टू भी एज इट इज़ होगा, बट जो जी वन होगा ये इस तरह सेंस में होगा, ये क्रॉस फॉर्म में आपस में अरेंजमेंट होंगे, ये जी वन एज इट इज़ होगा और ये जी थ्री एज इट इज़ होगा, ये इस तरीके से क्रॉस होता है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन क्रॉस रेशोज एंड लीनियर फ्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे LFT के एब्रिवेशन से भी ज़ाहर करते हैं, ये आपको प्रीवियस लेक्चर में LFT हो चुका है। तो इसमें इसकी डेफिनेशन देखें, इफ़ W इज़ इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी, टी ऑफ जी इज़ आ लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन डैट मैप्स द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, जो कि अपनी इमेजेस को शो करता है एक डिस्टिंक्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि Z1, Z2 एंड Z3 होंगे, और ये ऑन टू मैप्स ऑलरेडी शो करेगा डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होंगे वो भी, जो कि W1, जो इनके इमेजेस हैं W1, W2 एंड W3 रिस्पेक्टिवली, इनके इमेजेस कुछ सेंस में होंगे। ये जो क्रॉस रेशो होगी, क्रॉस रेशो को ये इसके इमेजेस फॉर्म में, क्रॉस फॉर्म में ही LFT को रिप्रेजेंट करवाएगा। ये जो क्रॉस रेशो की डेफिनेशन थी, जी माइनस जी वन ओवर जी माइनस जी थ्री प्रोडक्ट जी टू माइनस जी थ्री ओवर जी टू माइनस जी वन इक्वल है, जैसे ये जिस सेंस में ये जी की फॉर्मेशन है उसी सेंस में इसका इमेजेस जो डब्ल्यू फॉर्म होगा वो भी रिप्रेजेंट होगा क्रॉस फॉर्म में, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू वन ओवर डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू थ्री प्रोडक्ट डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू थ्री ओवर डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन। जिस सेंस में मैंने क्रॉस की फॉर्म जी के लिए आपको अंडरस्टैंड करवाई, वैसे ही क्रॉस फॉर्म W के लिए भी एज इट इज़ होगी, फॉर ऑल Z एंड W, ये हर एक के लिए जो इसमें Z यूज़ हुआ है, W यूज़ हुआ है, ये एज ए फॉर ऑल फॉर्म होगा हर एक के लिए। एक्सरसाइज 7.2 के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन रहते थे, ये आपने ट्राई करने हैं। इन प्रॉब्लम 21-26 डेनिस ज़िल बुक है, उसी से ये इंक्लूड हैं। तो इसकी स्टेटमेंट है, कंस्ट्रक्ट अ लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन डैट टेक्स द गिवन पॉइंट्स, जो के हैं गिवन पॉइंट्स Z1, Z2 एंड Z3 ऑन टू द गिवन पॉइंट्स W1, W2 एंड W3 रिस्पेक्टिवली। इन क्वेश्चनों को आपने ट्राई करना है, ये इसको मैं अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसके लिए आपको ये गिवन डाटा है, Z1 इज इक्वल टू -1, Z2 इज इक्वल टू 0, Z3 इज इक्वल टू एंड W1 इज इक्वल टू 0, W2 इज इक्वल टू 1, W3 इज इक्वल टू इन्फिनिटी अनडिफाइंड। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, एज वी नो डैट ये आपने फार्मूला राइट करना है, रिलेशन जो था क्रॉस रेशो और LFT का, ये इसका फॉर्मूला आपको मैंने डेफिनेशन में अंडरस्टैंड करवाया, इसको आपने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे लेना है। पुटिंग गिवन वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, जो आपको गिवन वैल्यूज़ हैं, ये वाली ये 6 वैल्यूज़ हैं, इनको आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देना है। पुट करने के बाद आपके पास ये सेंस बन जाएगी, ये पुटिंग होगी वैल्यूज़। पुटिंग होने के बाद आपने क्या करना है, इनको कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना ईजी है आपके लिए, नो इशू। यहाँ पर मेन बात मैंने आपको अंडरस्टैंड करवानी है कि यहाँ से इन्फिनिटी को आपने कॉमन लेना है, ये न्यू बात है, आपने ये स्टेप ध्यान से करना है। जब आप इन्फिनिटी यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ पर ब्रैकेट में रह जाएगा W डॉट, जो कि मल्टीप्लाई में फॉर्म है, 1 ओवर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जब कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। इसी तरीके से डिवाइड के नीचे जो एक न्यूमरेटर होता है ये वाला पार्ट, और एक डिनोमिनेटर होता है ये वाला पार्ट, तो डिनोमिनेटर में से भी आपने इन्फिनिटी कॉमन लेना है, तो ये बन जाएगा W ओवर इन्फिनिटी माइनस 1। उसके बाद इन्फिनिटी को आपने कैंसिल आउट कर देना है अप्स एंड डाउन, और उसके बाद मिनी पोर्शन जो बच जाएगा W इंटू 1 ओवर इन्फिनिटी 0 होगा, समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 होता है, माइनस 1 ओवर W ओवर इन्फिनिटी अगेन 0 हो जाएगा, माइनस 1 एज इट इज़। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो W यहाँ से आपको कैलकुलेट हो जाएगा, ये सेकंड जो इसका पार्ट यहाँ से यूज़ हो रहा था ये एज इट इज़ ही आ रहा है, यहाँ से आपने W की वैल्यू को ड्राइव कर लिया है। आपने यहाँ से W का जो रिक्वायर्ड आंसर फाइंड करना था इन द सेंस ऑफ Z फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 22,
जी वन इज इक्वल टू आयोटा है, जी टू इज इक्वल टू जीरो है, जी थ्री इज इक्वल टू माइनस आयोटा है, एंड डब्ल्यू वन जीरो है, डब्ल्यू टू वन है, डब्ल्यू थ्री इज इक्वल टू इन्फिनिटी है। इसको भी सेम इन्हीं स्टेप पे आपने वर्क करवाना होगा। एज वी नो डैट ये आपने क्रॉस रेशो और एल एफ टी की जो रिलेशन है उसको आपने इस सेंस में लिख दिया है, ये आपका फॉर्मूला है। इसको आपने क्वेश्चन का नाम दे लिया, क्वेश्चन नंबर वन, पुटिंग गिवन वैल्यूज इन क्वेश्चन नंबर वन। उसके बाद आपने वैल्यूज़ को जब आपने पुट किया तो ये इसकी फॉर्मेशन बन जाएगी। फॉर्मेशन बनने के बाद आपने इसको कैलकुलेट करना है उन्हीं स्टेप पे जैसे आपने 21 क्वेश्चन किया। यहाँ से इन्फिनिटी जब आपने कॉमन लिया तो ये फॉर्मेशन बनेगी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से इन्फिनिटी को कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद इसको कैंसिल आउट किया और आपके पास ये डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पर ड्राइव हो जाएगी। ये ईजी है, आप कर सकते हैं ईजिली, इट्स नो इशू। क्वेश्चन नंबर 23 भी आ जाए, जी वन इज इक्वल टू जीरो है, जी टू इज इक्वल टू आयोटा है, जी थ्री इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, डब्ल्यू वन जीरो है, डब्ल्यू टू वन है, डब्ल्यू थ्री टू है। इसका ये भी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। एज वी नो डैट आपने फॉर्मूला राइट किया, उसको क्वेश्चन का नाम दिया, फिर उसके अंदर आपने वैल्यूज़ को पुट करना है, पुटिंग गिवन वैल्यूज इन क्वेश्चन नंबर वन। तो पुटिंग करने के बाद आपके पास ये फॉर्मेशन बन जाएगी। फॉर्मेशन बनाने के बाद आपने इसको कैलकुलेट करना है, कुछ कॉमन आएगा इन्फिनिटी, उसको कॉमन लेना है, फिर कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद आपके पास ये सेंस बन जाएगी। इस सेंस में आने के बाद आपने यहाँ पर जो भी स्टेप यूज़ कर लें, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें या इसका डिवीजन ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कर लें तब भी ठीक है। मैंने यहाँ पर बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ की है, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद ये स्टेप बन जाएगा। उसके बाद आपने इसको रीअरेंज करना है, W वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लिया और Z वाली टर्म को एक साइड पे। यहाँ से जब आप W कॉमन लेंगे तो ये ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। उसके बाद जो इसके साथ प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई हो रहा है इसको आप दूसरी साइड पे डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर W का इन द सेंस ऑफ Z में रिक्वायर्ड हो जाएगा, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन में 24 की तरफ चलते हैं। 24 क्वेश्चन है, इसमें भी आपको जी वन, जी टू, जी थ्री, डब्ल्यू वन, डब्ल्यू टू, डब्ल्यू थ्री की वैल्यूज़ गिवन है। एज वी नो डैट फार्मूला अप्लाई करना है, ये फार्मूला, इसको आप क्वेश्चन का नाम देंगे, पुटिंग वैल्यूज इन क्वेश्चन नंबर वन। उसके बाद आपने वैल्यूज पुट करने के बाद ये सेंस बन जाएगी, फिर आपने इसको कैलकुलेट करना है, कुछ कॉमन आएगा, कॉमन लिया, कटिंग की, ये कैंसिल कर दी है, मैंने यहाँ पर कैंसिल करना शो नहीं करवाया, लेकिन आपने इसको कैंसिल करना है, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कैंसिल। उसके बाद ये सेंस बनेगी, फिर आपने क्या किया है, इस आयोटा को माइनस वन से मल्टीप्लाई, ये सेंस बन गई। उसके बाद आपने इसको रैशनलाइज किया है आयोटा से, आयोटा से जब रैशनलाइज करेंगे तो आपके पास आंसर आयोटा डब्ल्यू प्लस वन आ जाएगा। उसके बाद आपने डिवाइड से जो जी माइनस वन था इसको आपने दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि डिवीजन ख़त्म हो जाए। उसके बाद ये सेंस बन गई है। उसके बाद आपने इन दोनों को प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई किया तो ये इसकी रिक्वायर्ड फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद दोनों साइड्स पर माइनस वन है उसको कैंसिल आउट कर दिया। उसके बाद प्लस जी को इस साइड पे लेके है तो ये माइनस जी हो गया, इन दोनों को ऐड किया माइनस टू जी हो गया। एक साइड पर अब डब्ल्यू है, एक साइड पे जी फॉर्म है, तो यहाँ से आपने डब्ल्यू को कॉमन लिया। उसके बाद डब्ल्यू के साथ जो भी टर्म है उसको दूसरी साइड पे डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद डिवाइड के नीचे जो डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट वैल्यू पड़ी हुई है आयोटा कॉमन लिया, और उसके बाद आपने जब आयोटा को रिमूव करना होगा तो रैशनलाइज अगेन कर लेंगे। जब आयोटा के साथ रैशनलाइज करेंगे तो आपके पास फाइनली आंसर टू आयोटा जी ओवर जी माइनस वन रिक्वायर्ड हो जाएगा, हेंस विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये कुछ टू क्वेश्चंस आपके पास ये भी बुक के हैं, डैमेजेस जेल के क्वेश्चन नंबर 25 है, 26 है, ये आपने खुद ट्राई करना है, डू योर सेल्फ, ये आपका होमवर्क है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा। इफ़ एनी क्वेश्चन अगर कन्फ्यूजन आपको बनती है तो आप मुझसे डिस्कस इंशाल्लाह कर लीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस कम्प्लीट लेक्चर। इफ़ एनी कन्फ्यूजन देन डिस्कस मी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।